हम तमाम जम्मू कश्मीर वासियों का नाम रोशन करने वाले उमरान मलिक अभी जम्मू आ चुके हैं अपने परिवार में। वो आए हुए हैं कल से और अभी वो उनकी टीम इंडिया की ए टीम में सिलेक्शन भी हुई है और उससे पहले वो परिवार के पास आए हैं, इसके बाद वो आगे टूर के लिए जाएंगे। मेरे साथ उमरान मलिक के फादर भी हैं। सर मैं ये आप बताइए कि उमरान की जब पहले तो जब सबसे उसने फास्ट बॉलिंग करवाई तो उस समय हर किसी की नज़र में उनका आ गया और हर जगह चर्चा हो रही थी। अब टीम इंडिया की ए टीम में सिलेक्शन हुई है, उससे पहले वो घर आए हैं, जब सबसे पहले घर आए तो किस तरह का माहौल था, क्या बातचीत हुई? बड़ा अच्छा लगा, 3 महीने के बाद बच्चा हमारा घर में आया और बड़ी खुशी हुई कि बड़ा अच्छा खेल के आया और बहुत अच्छा उसने आईपीएल में भी बहुत अच्छी बॉल डाली और बहुत अच्छा खेला और पूरा जम्मू और कश्मीर को मुबारक है हमारी तरफ से, पूरे देश को, और हम कहते हैं कि आगे भी अच्छा करे और मेहनत करे। और बड़ी अच्छी बात है कि एक वो आईपीएल खेला, उसके साथ ही उसको नेट बॉलर इंडिया के लिए सिलेक्ट किया गया। तो मैं उसको पूछ रहा था, मैंने कहा बेटा जब आईपीएल ख़त्म हुआ तो रात को बात हुई इसके साथ 10 बजे, तो कहता पापा मैं सुबह वापस आ रहा हूँ। तो 10:30 बजे कॉल करता है, पापा मेरी इंडिया में सिलेक्शन हो गई नेट बॉलर के लिए। हमको बहुत खुशी हुई, मैंने कहा यार ऊपर वाला देखो कैसे रास्ते बना रहा है। कोई वो एक्सपीरियंस शेयर किया उन्होंने कि वहाँ का जब उन्होंने नेट बॉलिंग के लिए वहाँ किस तरह का माहौल रहता है, बड़े बड़े प्लेयर्स क्योंकि मेन टीम के साथ वो गए थे, वो कुछ बताया कि नहीं? अभी तो उससे बात कोई नहीं हुई ऐसी, तो बड़ा अच्छा लगा, कहता बड़े बड़े प्लेयरों के साथ उसने खेला और बड़ी बॉलिंग कराई, बहुत अच्छा लगा हमको और बड़ा फख्र महसूस हुआ कि हमारा बच्चा भी देखो आज इतने इतने बड़े प्लेयरों के साथ बॉलिंग करा रहा है, उनको जाके हम यही चाहते हैं कि आगे जाके और अच्छा खेले और अच्छा खेले, अपने देश के लिए खेले और अपने देश का नाम रोशन करे और अपने देश के लिए खेले। कितने दिन के लिए वो आए हैं फिलहाल? सिर्फ 3-4 दिन के लिए, अब वो इंडिया ए के लिए उसकी सिलेक्शन हुई। अफ्रीका जाएंगे वो? हाँ साउथ अफ्रीका के लिए उसकी सिलेक्शन हुई, अब जाएंगे वो 3-4 दिन ही रहेंगे। तो वो हमको देखा, वो आज भी जीजीएम साइंस कॉलेज में बॉलिंग प्रैक्टिस कर रहे थे, हालांकि घर आए हैं, वो घर भी रह सकते थे लेकिन वो जज्बा है खेल का और वो वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। यही चीज़ें उसको आगे लेके गई है ना, देखो जब बच्चा मेहनत करता है ना तो बच्चे की मेहनत ही उसको रंग लाती है और बच्चा मेहनत करेगा तो ऊपर वाला उसका साथ देता है, तो मेहनत करके ही यहाँ तक पहुँचा। अगर हम घर में बैठे रहेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो कैसे आगे पहुँचेंगे, यही चीज़ें आगे। कहते हैं ना कि क्रिकेट में कि अगर कोई बड़ी आपकी अप्रोच है, बहुत आप पैसे वाले हैं तभी आपको आगे जगह मिलती है, लेकिन आपने उसको जिस तरह से पाला है, उसके पाल पोस के बड़ा किया है, उसके बावजूद इमरान ने बड़ी छोटी उम्र में ही ये अचीवमेंट हासिल कर ली। हालांकि लोगों को बहुत सारी बाहर ट्रेनिंग्स करनी पड़ती हैं, बाहर कोचिंग्स करनी पड़ती हैं, इमरान ने सब कुछ जम्मू में भी किया, तो मानते हैं कि ये भी एक बड़ी उसके लिए किस्मत की बात है कि उसको यहीं से इतनी छोटी उम्र में जल्दी मौका मिल गया। ये उसकी किस्मत है और उसकी मेहनत है और वो मेहनत करता रहा, तो बच्चा एक दिन कहता था पापा मैंने इंडिया खेलना है, भाई ऊपर वाले ने उसका साथ दिया, मेहनत करता था तो मेहनत करके ही सब कुछ मिलता है। ये तो बड़े बड़े प्लेयर मैंने बड़ी बड़ी दुनिया देखी है, बड़े बड़े अरबों करोड़पति जो आगे तक नहीं पहुंच सकते आजकल, उनके मैं कहता हूं सबके बच्चे आगे पहुंचे। हम तो यही दुआ करते हैं, हमारा बच्चा पहुंचा है, हम कहते हैं सबके बच्चे आगे पहुँचे और जितनी बच्चे ने हमारी इज्जत बनाई है ना, तो ये तो हम फख्र बहुत महसूस करते हैं। हम कहते हैं पूरे देश के बच्चे हमारे बच्चे हैं, ये भी एक पूरा देश का बच्चा है, हम कहते हैं पूरे देश का नाम रोशन करें आगे इंडिया खेले। हमारी भी कोशिश है हम उमरान से बात करें लेकिन नहीं हो पाई, करेंगे वो बात? वो मुश्किल ही है, अभी उसको टाइम ही नहीं है वो बात करने का, तो देखो आप उनको हिदायत भी है कि मीडिया से नहीं बात करें? नहीं ये मैं नहीं बोल सकता, ये वही बताएगा कि मैं ये बात आगे नहीं बोल सकता। तो उमरान मलिक जम्मू आए हुए हैं, इसके बाद वो सीधा साउथ अफ्रीका जाएंगे, टीम इंडिया ए में उनकी सिलेक्शन हुई है और बहुत स्पीड में उन्होंने बॉलिंग कराई थी, उसके बाद नेट बॉलिंग के लिए मेन टीम के साथ उन्हें रखा गया था और अब वो साउथ अफ्रीका जा रहे हैं। जम्मू फिलहाल आए हैं और हम आपको विजुअल में भी दिखा रहे हैं किस तरह से वो घर आते ही, और वो रेस्ट नहीं की उन्होंने, रिश्तेदारों से नहीं मिलने गए, सीधा ग्राउंड में पहुंच गए और वहाँ पे वो आगे प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। हालांकि हमने बात करने का प्रयास किया वो नहीं हो पाई, कोशिश करेंगे फिर भी कि उनसे बात हो पाए। विजुअल शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम्स जम्मू।